चेहरे पर कील मुहासों के बारे में पहले दो हिस्से आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं, अब तीसरा हिस्सा आपकी समाअत की नज़र है। वायरसेस के बारे में हमने बताया था कि कुछ दाने वायरस के वजह से भी होते हैं, इनका इलाज भी मुख्तलिफ होता है। याद रहे कि ये दोनों अकसाम मुतदी हैं, यानी कि इन्फेक्शस हैं, एक दूसरे से लग सकती हैं, एक से दूसरे के तौलिए वगैरह से लग सकती हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि तवील मुद्दत तक रग के जरिए ड्रिप की सूरत में मरीज को जो खुराक पहुंचाई जाती है, तब भी मुहासे नुमा दाग निकल आते हैं। उसके अलावा कील मुहासे बाज़ औक़ात शीरखार बच्चों और बड़े बच्चों में भी देखे गए हैं, जो चेहरे, पुश्त और छाती पर गुच्छों की शक्ल में इकट्ठे पैदा हो जाते हैं। इसकी वजह वो मालिश है जो कि किसी तेल से तेल में काफरू मिलाकर बच्चों के जिस्म पर की जाती है। तशखीस डायग्नोसिस के सिलसिले में सबसे अहम नुक्ता यह है कि सने बलोगत के बाद उम्र के किसी भी दौर में अगर अचानक मुहासे नुमा दाने निकल आएँ तो जहन में ये बात ज़रूर रखनी चाहिए कि इन दानों को कोई अंदरूनी वजह तो नहीं, मसलन उन्हें इस नुक्ते नज़र से देखना पड़ेगा कि उनके किसी एंड्रोजिन वदूद या जिगर में कोई ख़राबी तो नहीं, मसलन आर्जा कुशिंग या एंड्रोजिन ट्यूमर, कुशिंग सिंड्रोम या एंड्रोजिन ट्यूमर की इब्तदा में तो नहीं। अगरचे ऐसा शाज़ो नादर ही होता है, चेहरे के दानों के इलाज के लिए मरीजों की अक्सरियत रुजू नहीं करती क्योंकि उनके ख्याल में इसकी ज़रूरत ही नहीं, या फिर वो इस वक्त मालिज के पास आते हैं जब चेहरा दानों की शिद्दत से बदनुमा हो चुका होता है। कुछ लड़कियां अपने वालदेन के साथ बहुत शॉर्ट नोटिस पर आती हैं, उमन जब जिनकी शादी में 10-15 दिन बाकी होते हैं। अब उन्हें इस मौके पर ये बताना खासा मुश्किल काम है कि इसका इलाज शुरू करने के बाद बेहतरी की सूरत उमूमन 4 से 6 हफ्तों के बाद पैदा होती है। एक सबसे अहम बात यह है कि इनके इलाज में सबसे बड़ी रुकावट वो तोहमात हैं जो उनके जहनों में साल साल से चली आ रही हैं। मसलन ये कि इन दानों के इलाज की कतई ज़रूरत नहीं, या कुदरती होते हैं और जवानी के दौर का हिस्सा है और वक्त के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त नहीं क्योंकि बग़ैर इलाज के ठीक होने के बाद ज़्यादातर चेचक नुमा दाग पैदा हो जाते हैं। अक्सरियत का ये भी ख्याल है कि ये दाने खून में हिद्दत की वजह से होते हैं, या फिर ये कि शादी के बाद खुद ठीक हो जाएंगे। ये सब मफरूजात गलत और गुमराह कौन है। इलाज के दो तरीक़ेकार हैं, हल्के फुल्के दानों पर सिर्फ दवा लगाने से फ़ायदा हो जाता है, मगर इसके लिए मुनासिब अदविया का इंतखाब ज़रूरी है। अलबत्ता ज़्यादा शदीद दानों के खाने और लगाने के तरह के अदविया से इलाज करना पड़ता है। इलाज का तीसरा मकसद मौसर इलाज के असरात को तादेर कायम रखना होता है। ये हिस्सा इलाज सबसे अहम है। ये जान लेना ज़रूरी है कि कॉस्मेटिक से बनने वाले कील मुहासे हसासियत और एलर्जी का दखल नहीं होता, बल्कि ये अमल कॉस्मेटिक के जुज़ियात मसामों के मुंह और उनकी नालियों के अंदर रफ्ता रफ्ता जमा होते रहते हैं से होता है, जिन्हें एक्नी पोमेड कहते हैं। यानी कि वो कील मुहासे जो चेहरे पर किसी आरइशी क्रीम या लोशन के मुसलसल लगाते रहने से बनते हैं। इस ज़माने में फाउंडेशन और चिकनी क्रीमें ज़्यादा नुकसानदेह हैं। हसासियत या एलर्जी एक बिल्कुल अलहदा कैफियत है और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल मुहासों से कतई मुख्तलिफ होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसी कॉस्मेटिक्स दस्तियाब हैं जिनके इस्तेमाल से कील मुहासे नहीं बनते। शीरखार बच्चों में मुहासों की मौजूदगी का सबब दोबारा हारमोन्स हैं। वो हार्मोन्स हैं जो माँ के खून के साथ बच्चों के खून में शामिल हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद इसका असर ज़ायल हो जाता है, दाने भी ठीक हो जाते हैं। एक और किस्म खुद साख्ता मुहासे भी हैं जो कि ज़्यादातर ख़वातीन में पाई जाती है। ऐसे मरीज़ अपने हाथ से नोच नोच कर मसनूई दाने बना लेते हैं जबकि वक़्तन उनके चेहरे पर कोई दाना नहीं होता।
یہ قسم زیادہ تر نفسیاتی مرضیوں میں پائی جاتی ہے یا پھر ان خواتین میں جو اعصابی طور پر کمزور شخصیت کے مالک ہوتی ہیں. ان مریضوں کا علاج ذرا مختلف زاویے سے کرنا چاہیے. ادویہ کے ساتھ انہیں اعتماد میں بھی لینا ضروری ہوتا ہے. بس اوقات ایسے مریضوں کو ماہر نفسیات کے پاس بھی بھیجنا پڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ صحیح علاج اور صحیح ڈائگنوسز اور صحیح ڈاکٹر کے پاس یا ماہر امراض کے پاس ان کا علاج کرانا چاہیے اور صحیح مشورہ کرنا چاہیے, جس کے ذریعے آپ صحیح یعنی کہ اپنے ان دانوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. کیل ماہ سے اور دانوں کے حوالے سے بڑی سے حاصل گفتگو کی گئی, اس سے فائدہ اٹھا کر آپ ان مسائل سے بچ سکتے ہیں.